जी हाँ नमस्कार दर्शकों, कमी समाचार डिजिटल न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 9 चेंग ताजो पे। जैसा कि आप सब मेरा पीछा देख सकता है कि यहाँ पे स्पिरिचुअल का जैसा सिलेक्शन किया जाता है, निसी लैंग्वेज में बोला जाने से, जैसे कि जो न्यबू है, न्यबू को सिलेक्ट किया जा रहा है। और क्यों सिलेक्ट किया जा रहा है बोलने से, जैसे कि 23 to 26 तक ये जो 2024 का न्योकुम सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके लिए जो न्यबू है उसको सिलेक्ट किया जा रहा है, जो कि आज से शुरुआत किया जा रहा है। और मैं आप सबको बता दूं, चेंग ताजो न्योकुम यूलो फेस्टिवल 2024 में हुआ जा रहा है। एंड उसके बाद जो कमिटी ने सिलेक्ट किया है, जैसे कि प्रीस को लेकर श्री तफे इरी, जो कि हम लोग का न्यबू होगा यहाँ चेंग ताजो के। उसके बाद जो गरी होगा, गरी का जो श्रीमती मामे ताजो। एंड उसके बाद होगा पुंगड़ी यंगफो। और उसके बाद चेयरमैन श्री आजाद बगंग। एंड उसके बाद जनरल सेक्रेटरी अगा रबे। तो बने रहिए कमी समाचार डिजिटल न्यूज़ में। जो हम लोग निशी है तो न्योकम है, न्योकम है तो निशी है। ये न्योकम फेस्टिवल को हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, ये फेस्टिवल है। और नेचुरल में अपना अपना हर जाति का अपना अपना फेस्टिवल होता है। इसको हम लोग एक अपना जो समाज जो जैसे अब निशी हो गया, म्योकम क्यों हम लोग मनाता है, म्योकम का दिन में हम लोग को एंजॉयमेंट करना है, हम लोग को पोर्ती मनाना है, हम लोग अपना आपको निशी का एक अपना आइडेंटिटी का आइडेंटिटी को म्योकम में हम लोग दिखाना है। या में कोई किसी रिलीजन से लेकर कोई ये को लेकर हम लोग एक दूसरे को डिस्टिंग्विश नहीं करना है। इसलिए सभी को हम निशी सोचने वाला हर किसी भाई बहन जितना भी अम्मा बाबा जो भी है, सबको हम लोग ये अपील करता है कि आने चैन ताजो में न्योकम में आप लोग प्लीज़ मतलब एंजॉयमेंट करने के लिए सब आइए।